हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस कैफे। माय नेम इज प्रियंका। एज यू ऑल नो, दिसंबर खत्म होने को है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। कुछ ही दिनों बाद 2024 की शुरुआत हो जाएगी और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी का एग्जाम को लेके जो धक धक है वो होने वाला है चालू। और सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगता है तो वो है करंट अफेयर्स। कहीं से भी कुछ भी आ रहा होता है, बट स्ट्रैटेजिकली मल्टीपल रिवीजन के थ्रू अपने सोर्स को कंसोलिडेट करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स भी बहुत इजीली हो जाएंगे। और जो मोस्ट ट्रस्टेबल मंथली मैगजीन अगर कोई प्रेफर करता है वो है विजन आईएएस। बट इसको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, कुछ चीजें समझ नहीं आती है, कुछ बोरिंग होता है, कुछ लोगों को लगता है कि स्टैटिक कर रहे तब तक ये आपके करंट अफेयर्स पीछे छूट रहा है, करंट अफेयर्स कर रहे तब तक स्टैटिक पीछे छूट रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो यहीं से हम आपको मदद करेंगे। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है उसको हम डिकोड कर रहे हैं। आप हमारे साथ साथ बहुत ईजिली इसको कवर कर सकते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम आज का ये जो मैगजीन है उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन वाइज जितना जल्दी हो सकता है इसको हम कवर करेंगे। पीछे से अभी हम चल रहे हैं, अभी हम नवंबर का मैगजीन जो है स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी गो टू द अक्टूबर सितंबर इस तरह से। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं फ्रेशर्स हैं जिनको कभी विजन आईएएस उन्होंने पढ़ा नहीं है या फिर इसका पैटर्न अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मोस्टली ये आपके पास जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर के जो टॉपिक्स है उसको सेग्रीगेट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बात करी है अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो सेक्शन है, इनका पहला टॉपिक इसमें है इलेक्टोरल फंडिंग, दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इस चैनल पे आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आपको इस विजन आईएएस की मैगजीन पे बहुत ही कम समय लगेगा बिकॉज ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पेशल एंड द लोकल लॉज, then about the right to information, that is the RTI, the special category status, और फिर कुछ छोटी छोटी न्यूज है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है यहाँ पे आई है। जैसे ही पॉलिटी गवर्नेंस का सेक्शन खत्म होता है which is related to your GS paper 2, we will move to the international relations. It is very very important section, बहुत ज्यादा मैप वर्क है, काफी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड डायनामिक सेक्शन। एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द GS paper 3, that is your economy. When you will be doing the economy, after that we will be talking about the internal security. फिर यहाँ पे internal security से related जो भी चीजें होंगी उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। After that we will be talking about the environment. After environment we will talk about the social issues and then about the science and technology. वो खत्म होने पे कल्चर और एथिक्स को हम कवर करें। तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू इंडेक्स को लेके ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब चलते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ जो कि बात करता है इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में। इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा जाता है, जो फंडिंग जाती है ना, उसको हमने टर्म दिया है इलेक्टोरल फंडिंग। वो पैसा, वो फंड जो इलेक्शंस में यूज आ रहा है, जो कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं या फिर वो रिसीव कर रहे हैं, वो यहाँ पे कहला रहा है इलेक्टोरल फंड। अब इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं या फिर ये न्यूज पे क्यों आया? तो बेसिकली हमारे कंट्री के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया है या फिर ऐसा बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो डेटा है वो 30 सितंबर 2023 से पहले आप हमें सबमिट करो, भाई हमें देखना है ना। अब आप बोलोगे क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने जुडिशियल पावर्स है दैट इट कैन सीक द डेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज। पहले इन टर्म्स को अच्छे से समझ लो तब न्यूज समझ में आएगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इंडिया के अंदर यहाँ पे दो तरह की बॉडीज होती है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉडी। द नंबर वन कैटेगरी इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैटेगरी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की
यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस या फिर वो बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और दूसरा है आपके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है या फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये पार्लियामेंट में लॉ पास करवा के बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बना है। तो जब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करती हूँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, जो कि कंट्री में इलेक्शन करवाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टर्म क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट यस हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324। देन एक टर्म है यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? देखो यूजुअली क्या हुआ कि आपके पास पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनको जो है पैसा जाता था, फंड जाता था, लेकिन वो जो था एक तरह से काफी लोग अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, करप्टेड मनी को छुपाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट दे देते थे और उसमें वो सामने नहीं आता था। ब्लैक मनी मतलब वो पैसा जिसका आपने, वो पैसा जिसका आपने टैक्स नहीं दिया। तो ये जो पैसा एकदम ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जा रहा था और नजर नहीं आ रहा था, काफी ज्यादा करप्शन बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए 2017 और 2018 का जो यूनियन बजट था, ठीक है, उसमें एक स्कीम अनाउंस करी गई जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, तो ये था आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब ये बॉन्ड का क्या मतलब होता है? देखो बॉन्ड होता है, मान लो कि एक पर्चा, एक रिसीट, एक पर्चा, एक रिसीट। मान लो मैंने कहा कि ये 100 रुपए का बॉन्ड है, अगर मैंने ये 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया तो बेसिकली मेरे पास ये पर्चा आ जाएगा और इसके लिए मैंने आपके 100 रुपए दिए। तो इन फ्यूचर ये क्या हो गया कि ऐसा बॉन्ड है या फिर एक मनी इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोई भी कंपनी परचेस कर सकती है या कोई भी इंडिविजुअल परचेस कर सकता है फ्रॉम द एसबीआई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, आप कीवर्ड्स को प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि बस रीड आउट कर लिया। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे क्या है कि ये एक मनी इंस्ट्रूमेंट है, ये एक मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, कोई कंपनी भी खरीद सकती है, और सिर्फ एसबीआई बैंक से खरीद सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड है, यानी कि एक तरह का मनी, तरीके का मनी इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक कंपनी और एक इंडिविजुअल खरीद सकती है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के ब्रांचेस से। 2017-18 इसको अनाउंस किया गया, इसको अगर आपको पास बेचना है आप सिर्फ और सिर्फ इसको ₹1,000, ₹10,000, ₹1,00,000, ₹10,00,000, ₹1 करोड़ के मल्टीपल में आप इसको बेच सकते, और इसको सिर्फ वो ही खरीद सकता है जिसकी बैंक अकाउंट KYC से कंप्लाइंट है, तो ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर सकते हो। अब इट इज अवेलेबल फॉर परचेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। क्या ये पूरे साल अवेलेबल आप इसको खरीद सकते हो? नहीं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इसमें 10 दिनों के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये हो गया आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसके बारे में। ठीक है, अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है ये आप लेके आए, इसका बेनिफिट क्या हुआ? सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा। क्यों? जैसे हमने बात करी कि जो पॉलिटिकल पार्टी से उसको आप जब आप डोनेशन दे रहे हो, फंडिंग दे रहे हो, तो वो क्या ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, करप्टेड पैसा है, कहां से आ रहा है, कुछ पता नहीं था। लेकिन अब जब बॉन्ड सिस्टम हो गया है, आप SBI से खरीदोगे तो कहीं ना कहीं वो नोट हो रहा है, वो बैंकिंग में अकाउंटिंग हो रही है उसकी, तो जो पैसा है, जो फालतू का पैसा है, जो ब्लैक मनी है, वो अब सामने आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो डोनर है, यानी कि जो पैसा, मान लो कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करना है, तो मैंने बोला कि ये लो भाई 10,000 पैसे ले लो और मुझे ये बॉन्ड दे दो, तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो भी रिवील नहीं होगी। मैं सेफ हूँ कि मेरे को नहीं बताना कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है,
तो यहाँ पे डोनर की जो आइडेंटिटी वो भी क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, ठीक है। और जितने भी ट्रांजेक्शन है वो चेक और डिजिटली होंगे, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डेड होगा, ओके। तो ये आपके पास तीन टर्म है जो क्लियर हो गई होगी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। जब ये टर्म क्लियर है, अब आपकी न्यूज इजीली समझ आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्शंस करवाता है हमारी कंट्री में, उसको बोला कि आप अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जो डेटा है वो हमें दिखाइए, हमें देखना है। अब इसमें क्या हुआ, 2019 में ADR जो है, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने एक पेटिशन डाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट, ठीक है, राइट। इन 2019 व्हाइल हियरिंग द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पेटिशन अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सबमिट द डेटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको, उनके पास 105 पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी एक स्टेटस है, रिपोर्ट है। अब SBI जो है उसने भाई खोला अपना पूरा चिट्ठा, वो रिवील करता है कि मात्र 25 ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ये बैंक अकाउंट खुलवाए हैं जिससे इलेक्ट्रल बॉन्ड रिसीव हो सकते हैं। तो बाकी के पॉलिटिकल पार्टी कहां से पैसा ले रही है भाई, जबकि आपको सिर्फ और इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूज करना है, और सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिन्होंने ये खाता खुलवाया है, तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टी का पैसा कैसे आ रहा है ना। तो स्टेटस क्या है अब इलेक्टोरल फंडिंग का, उसको देखते हैं। तो ये जो ADR का जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक 69% आपके पास जो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम है, उसका जो 69% है वो अननोन सोर्स से आया है, यानी कि कहां से आया है कुछ पता नहीं है। यानी मेजॉरिटी, मोर देन 69% इनकम कहां से आया है नहीं पता। अब 2021 और 2022 में ये जो नेशनल पार्टीज है उनका इनकम जो है 66.04% अननोन सोर्स है, और 23.74% जो है हमें पता है कि कहां से आए। तो अब ये जो डेटा हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, कंसर्न की बात है। तो कंसर्न क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव करवाती है उसमें बहुत खर्चा होता है। 2019 में जब लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, अभी तक का सबसे ज्यादा महंगा इलेक्शन हुआ, कम से कम 55-60 हजार करोड़ जो है उस पर खर्च किए गए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो कि मनी पावर को यहाँ पे शो करते हैं, उसके वजह से वो इंडिविजुअल जिनके पास पैसा नहीं है उनके साथ भेदभाव हो जाता है, कैश ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट जो है कंसर्न वाले है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, ब्लैक मनी ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। कैंडिडेट्स हु कैन फाइनेंस देयर ओन इलेक्शंस, पार्टीज उनको प्रेफर करेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, पॉलिटिक्स का सिविलाइजेशन होगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सबसे पहले जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनको सरकार को फंडिंग देनी चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे कमेटी थी, दैट इज द इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, उन्होंने स्टेट फंडिंग को सपोर्ट किया। देन यहाँ पे बोला गया कि जो कोई भी डोनर है, राइट, दे शुड बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी अंडर द RTI। कोई भी अगर पैसा दे रहा है, डोनर है, तो वो RTI के अंदर आने चाहिए। RTI क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसकी डिटेल बहुत ही थोड़े से समय में अगला जो टॉपिक आएगा आपके पास सेकेंड है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे बात हो रही है कि ब्रिंग द पॉलिटिकल पार्टी अंडर द एम्बिट ऑफ RTI, दिस इज द सेम थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इलेक्टोरल लिटरेसी, कुछ कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड है। लिटरेसी का मतलब होता है नॉलेज देना, पढ़ाना। तो इलेक्शंस जो है उसके बारे में किसी को लिटरेट करना, पढ़ाना इज इलेक्टोरल लिटरेसी। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग द इलेक्टोरल लिटरेसी टू क्लासरूम अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश भर में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे 6th से 12th कक्षा तक के जो छात्र या छात्राएं हैं, या फिर एवरी इंडिविजुअल हु स्टार्टिंग फ्रॉम 6th to 12th, उनको क्लासरूम एजुकेशन दिया जाएगा अबाउट द इलेक्शन।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है उसके सेलिंग फीचर्स क्या है। यहाँ पे वोटर का जो एजुकेशन है और इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स है उनको करिकुलम में पढ़ाया जाएगा। सरकार क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज जो कि आज की डेट में नेशन फेस कर रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, विमेन और मेन जो है उनकी इक्वल राइट्स के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जितने भी आपके पास स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आएगा कि हम अपने देश के सिटीजन को एडुकेट कर रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब ये लोग 18 साल के हो जाएंगे चुनाव के वोट इनको देने हैं, करेक्ट, तो दे विल डेजिग्नेट वन ऑफ द रूम्स एज अ डेमोक्रेसी रूम, राइट। तो इलेक्टोरल लिटरेसी जो है यहाँ पे क्या है, एडुकेट द चिल्ड्रन अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस, हेल्प इन स्मूथ कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, बेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इससे पहले या फिर कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि इलेक्टोरल लिटरेसी के थ्रू लिए गए हैं वो कैसे हैं। एक है आपके पास स्वीप, ये है आपके पास स्वीप। स्वीप का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन सीधा आ जाता है, स्वीप इज रिलेटेड टू वॉट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप क्या है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। देखो अब मैं ये वीडियो देखने के बाद ऐसे मैं सोचता कि अब मैं घर जाके और रिवाइज कर लूंगा, यही रिविजन का टाइम है, अभी के अभी याद करो। स्वीप क्या है, SVEEP, दैट इज सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल स्प्रेड द वोटर अवेयरनेस इन प्रमोटिंग द वोटर लिटरेसी। अब इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैंपसेस बना रहे हैं पूरी कंट्री में जो कि इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनका एक स्ट्रैटेजिक प्लान है और लिटरेसी को लेके जो कि 2016 से 25 तक का होगा, जिसमें अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और एजुकेशन एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कर रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, टीचर का जो ट्रेनिंग है वो करवा सकते हैं कैंपेन्स के थ्रू, एनजीओस के थ्रू, ग्राम जो सभा से इनके थ्रू इनको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, आप 2 मिनट लीजिए, सोचिए कि अभी हमने क्या पढ़ा, रिकॉल कीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए। ओके, अब चलते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, रोल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के अंदर। ओके, यहां पर हम देखते हैं एक छोटा सा कैटेगरी, तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट। यहाँ पे एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो कोई भी बिल अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है उसके बाद यहाँ पे लगता है प्रेसिडेंट का बहुत, प्रेसिडेंट की एसेंट लगता है, तब जाके वो एक एक्ट बनता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्टेट के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट के लेवल पे ये हुआ, अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पे हम बोल देते हैं ये है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, एक तरफ आपके पास क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे अगर असेंबली या काउंसिल मिलके कोई भी बिल अगर पास कर देती है उसके बाद वो बिल जाता है गवर्नर के पास और गवर्नर क्या करता है उस पर एसेंट देता है, मोहर लगाता है और वो बनता है एक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो गवर्नर है वो सिर्फ एक एजेंट है सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर यहां पे बात क्या हो रही है कि कोई बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं उनको जनता ने चुना है इलेक्ट करके, अब उन लोगों ने जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मिनिस्टर्स है उन्होंने अगर कोई बिल पास कर दिया है और उस बिल को गवर्नर साइन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे गवर्नर की जो ड्यूटी है उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है,
क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बिल है जो कि पास हो जाते लेकिन गवर्नर उस पर साइन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक पावर थी, दैट इज वीटो पावर। क्या अगर उसको उस बिल में कोई प्रॉब्लम लगती है तो या तो उस बिल को वो वापस भेज दे, यानी कि रिकमेंडेशन के लिए कर दे, या फिर जैसा वो इसको पास कर दे, या उस पर वो विचार विमर्श करेगा पॉकेट वीटो, यानी कि देखेंगे कब तक करेगा, मतलब कुछ कर नहीं रहा है, बस अपने पास रख रहा है। तो इस पर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई वो इनडेफिनेट टाइम तक थोड़ी ना रख सकता है, हमारे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पास किए हैं। तो यहाँ पे गवर्नर का जो प्रॉब्लम है, गवर्नर का यहाँ पे जो क्वेश्चन उठा उसकी ड्यूटी पे, उसको लेके आपके पास क्या है न्यूज यहाँ पे आई है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं और थ्योरी वाइज देखते हैं कि यहाँ पे बात जो है वो क्या हो रही है। ठीक है, बड़े आगे क्लियर है क्या? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो पहला इन्होंने बोला है दैट रिसेंटली केरला, तमिलनाडु और पंजाब, ये सारे देखो किसी एक स्टेट को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे काफी स्टेट है, केरला हुआ, तमिलनाडु, पंजाब, ये सारे सरकार जो है आपके पास सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने अपने अपने गवर्नर जो है उनके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखी है कि हमारे पास बहुत पेंडिंग बिल है जिनको गवर्नर साइन नहीं कर रहे। तो जो केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला दैट गवर्नर कम से कम 8 बिल ऐसे हैं जो कि असेंबली पास कर चुकी है, उसमें से कुछ बिल ऐसे जो कि अभी भी पेंडिंग है, 2 साल हो चुके हैं लेकिन गवर्नर ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब सरकार कह रही है कि हमारे पास 3 ऐसे मनी बिल है, मनी बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी पंजाब की गवर्नर ने कुछ नहीं किया है, विथहेल्ड करके रखा था। तमिलनाडु कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे 12 बिल जो है वो पेंडिंग है। अब गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स है उसको समझते हैं। आर्टिकल 200 के अंदर द एसेंट ऑफ गवर्नर जो है बहुत जरूरी है किसी भी बिल जो है उसको एक्ट बनाने के लिए। अब वो एसेंट किस प्रकार की हो सकती है? या तो उस बिल पे गवर्नर एसेंट दे देता है तब वो क्या होता है, लॉ बन जाता है। अगर वो उसको विथहोल्ड करता है यानी कि एसेंट नहीं देता है तो वो लॉ नहीं बन पाता है। फिर एक कंडीशन आती है कि गवर्नर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है एज सून एज पॉसिबल, यानी कि गवर्नर के पास पावर होता है कि मुझे लगता है कि आप इस बिल को फिर से रिकंसिडर करो, आप इस बिल को फिर से सोचो कि यहाँ पे क्या आपने लिखा है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल कोई टाइम फ्रेम उसमें नहीं था। तो स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द बिल इन द ओरिजिनल शेप और इन द मॉडिफाइड फॉर्म, द गवर्नर हैज टू गिव द एसेंट टू द रीएनेक्टेड बिल। इसको समझो, असेंबली ने एक बिल को पास किया और वो बिल गवर्नर के पास आया, गवर्नर ने ये बिल वापस दे दिया असेंबली को कि आप इस बिल को रिकंसिडर करो, लेकिन रिकंसिडर करने के बाद अब ये बिल अगर फिर से पास हो जाता है तो गवर्नर को वहां पे अपना एसेंट देना पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी रिकंसिडरेशन के बाद गवर्नर को उस बिल पे एसेंट देना ही देना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बिल। अब यहाँ पे ट्रिक यही थी कि कितने टाइम के बाद गवर्नर उस बिल को रिकमेंडेशन रिकंसिडरेशन के लिए देता, उसकी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं थी। वहां लिखा है एज सून एज पॉसिबल, तो गवर्नर क्या करता है उसको अपने पास ही रख लेता है, 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है, फिर एक पावर है कि गवर्नर जो है बिल को अपने पास रख सकता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए। तो ये जो प्रेसिडेंट है या तो उस बिल को सेम चीज कि अपने एसेंट दे सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये बिल आप रिटर्न कर दीजिए। नाउ अगर कोई बिल यहाँ पर रिजर्व होता है फॉर द प्रेसिडेंट, इन वन सच केस ये ऑब्लिगेटरी है, दैट इज द ड्यूटी दैट द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है अंडर आर्टिकल 163। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब होता है जो गवर्नर अपनी इच्छा से खुद से कर सकता है, उसको बोले जाते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स, अपने विल पावर से जो कर सकता है। ठीक है, एक मिनट। तो
आर्टिकल 163 क्या कहता है, दैट एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन इन डिस्क्रिशन द गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशनरी पावर्स से गवर्नर खुद से डिसीजन ले सकता है, लेकिन बाकी के केसेस पे गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात यहाँ पे माननी पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन डिस्क्रिशन, तो वहां पे उसका रिगार्ड फाइनल होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे कि यहाँ पे SR बोम्मई केस 1994, जिसमें उन्होंने बोला कि जो गवर्नर की जो पावर है वो बहुत ही रेयर आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, रेयर केसेस में ही यूज होनी चाहिए। देन आपके पास है शमशेर सिंह केस ऑफ 1974। अब रीसेंट केस को देखिए 2023, इसमें इन्होंने बोला है 2023 में, जो कि पंजाब का केस था, कि जो गवर्नर है जब वो डिसाइड करता है टू विथहोल्ड द एसेंट टू अ बिल, देन ही और शी हैव टू रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। आप उसको इनडेफिनेट टाइम तक नहीं रख सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है गवर्नर के रोल को लेके, डिसीजन पेंडिंग रहते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी रहता है, जुडिशरी पे काफी ज्यादा बर्डन होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर। अब हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, बिकॉज ये एक साथ काफी लंबा हो जाएगा, उसमें इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगी उसको हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेशल और जो लोकल लॉ है उसको कवर करेंगे, RTI कवर करेंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और न्यूज इन शॉर्ट। कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसको हम पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे और फिर हम चलेंगे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव अच्छे लग रहे हैं, हम आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक एंड शेयर करके। थैंक यू सो मच।